राग दरबारी करने वाले गोदी पत्रकार को जमकर पड़ी लताड़, गलती से ऑन रह गया कैमरा, वीडियो हो गई वायरल। आका के आदेश पर माहौल बनाने में जुटा था गोदी एंकर, कश्मीर की गलियों में धर लिया गया, फिर जमकर हुई मजम्मत। गोदी एंकरों को ताउम्र याद रहेगा जम्मू कश्मीर का ये चुनाव। सवाल पूछने पर हुई ऐसी फजीहत, बोरिया बिस्तर उठाकर भागे। इन सारे चेहरों को तो आप पहचानते ही होंगे, पिछले 10 बरस से साहेब की चाटुकारिता में सारी हदें जो पार कर रखी हैं, चिप वाली मैडम से लेकर खुद की ज्ञान की पाठशाला लगाने वाले सारे के सारे एंकर जमीन पर उतरने से कतराते हैं। पता नहीं कब कहां धर लिए जाएं, लेकिन क्या किया जाए, राग दरबारी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो काम तो करना पड़ेगा ही। तो पहुंच गए जम्मू कश्मीर के चुनाव में, लफाजी की दुकान खोली थी तो वहीं उसी जगह धर लिए गए। आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिसगस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज आप लोग भी आग लगा रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट। आप कितना करते हैं, डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोइज हो रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। चलिए वो दूसरी चीज है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। दरअसल आज तक चैनल के एंकर राहुल कंवल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विपक्षी नेताओं के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का इंटरव्यू लिया। एजेंडे से लबरेज राहुल कंवल पूरी उम्मीद के साथ आए थे कि राजनीति में नई नवेली इल्तिजा क्या ही जवाब दे पाएंगी, लेकिन जैसे ही इल्तिजा ने राहुल कंवल की चूड़ी टाइट की, भाई की बत्तीसी बंद हो गई। आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिसगस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज आप लोग भी आग लगा रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट। आप कितना करते हैं, डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोइज हो रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। चलिए वो दूसरी चीज है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ दिन रात एजेंडा चलाने वाले चैनल पर बैठकर उनके ही एंकर को उनके ही चैनल की पूरी कहानी सुना डाली। राहुल कंवल समझ नहीं पाए क्या ही सवाल करें, तो भाई अपना चेहरा लटकाकर निकल लिए। लेकिन सवाल उठता है कि जिस इल्तिजा मुफ्ती से तमाम सवाल पूछ रहे थे राहुल कंवल, क्या कभी मोदी शाह से सवाल पूछ पाएंगे कि एक देश एक निशान एक विधान का नारा देने वाले दिन रात महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अलगाववादियों का समर्थक कहने वाले आखिर क्यों सत्ता की चाह में महबूबा मुफ्ती के दरबार में लंबलोट हो रहे थे? क्यों आखिर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, राहुल कंवल को अभी एक ही डोज मिली थी, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी जमकर लताड़ लगाई। मतलब समझ ही नहीं पाए राहुल कंवल कैसे अपनी इज्जत बचाएं। एक नेता अगर जनता से वोट मांगता है तो पूछ रहे हैं कि भीख मांग रहे थे? यही सवाल साहेब और साहेब के जोड़ीदार से भी पूछ लेते कि आखिर वाराणसी में हारते हारते कैसे बचे। कुल मिलाकर राहुल कंवल ने अपनी जबरदस्त फजीहत करा ली। स्पेशल डेस्क द कंटा।